वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और मैं रिएक्शन करने लगी हूँ आज अभी विराट कोहली और मोहम्मद सिराज की बॉन्डिंग पर, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी है। जिस तरह से मैंने सुना है कि दोनों ने, मतलब मोहम्मद सिराज को जो बहुत सपोर्ट किया है विराट कोहली ने, और काफ़ी सजेशंस थे कि इनकी बॉन्डिंग पे, इनकी दोस्ती पर रिएक्शन करने के लिए। वीडियो को प्ले करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मज़ीद सजेस्ट कीजिए किस पे रिएक्शन करूं। और मोहम्मद सिराज भी बहुत कमाल के बॉलर हैं, नंबर वन पे हैं इस टाइम। और आई थिंक IPL से स्टार्ट किया था उन्होंने, तब शायद विराट कोहली उनको आई थिंक इंटरनेशनल टीम में आने के लिए सपोर्ट किया। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, उनकी कैसी बॉन्डिंग है, कैसी बातें हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एंड लेट्स प्ले इट। आपके लिए सुपर हीरो हैं। दिस इज सच अ लवली वीडियो यार। अच्छा, वो भी सिराज भी RCB में, उसी फैन स्लैश सिराज, बिकॉज ही वॉज नॉट देयर। तो भैया बोलो, भैया मैं ऐसा घर पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं आएंगे हम लोग। पूरे ठीक है, के फिर हम लोग ट्रैवल करें, पूरा सेट कर दिए सब वो है। या कुछ जब यहाँ से कोई एड शूट हो रहा होगा। सक्सेस डिमांड्स समटाइम्स समथिंग बिग सैक्रिफाइसेस, बट सैडली देयर फादर कुडंट सेलिब्रेट देयर सक्सेस। हाँ, दोनों के फादर नहीं है। वेट फॉर रिवेंज। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था ना, मैंने सिराज को कुछ कहा था। सक्सीड इन एवरी मोमेंट एंड दैट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैव। दैट्स वेयर योर कंपोजर इज टेस्टेड द मोस्ट एंड योर कैरेक्टर इज टेस्टेड द मोस्ट एंड देन वंस यू ओवरकम दोज फियर्स एंड दोज डाउट्स यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वी वर्क towards certain goals, but there's a degree of success and failure attached to it. If you talk about exams as well, there's certain kind of, you know, nervousness we feel when the results are about to arrive. So, अपने colleagues को भी विराट कोहली ऐसे encourage करते होंगे। Yes, you might or might not know what you're doing, but there's still a space where for a few days you're like, okay, whatever happened happened, and then I'm going to get the result later. So you just need to be composed in that moment when you're getting the result as to how you react to it. But with sport, you can do that in potentially every moment. So if you're able to overcome those fears and follow your heart, not your mind can help you make a plan, but your heart will help you. मुझे ऐसा लग रहा है वही सब मोहम्मद सिराज को कह रहे हैं, क्योंकि मैं सिराज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। The success you see, the reason behind it. हाँ, विराट कोहली ने बहुत बैक किया सिराज को, ऐसा सुना है मैंने। जीतेगी RCB एक दिन, जरूर जीतेगी। 2024 में जीतेगी। खिलाड़ी हो तो मोहम्मद सिराज जैसा। दरअसल मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम से खेलने के लिए 20 करोड़ का ऑफर दिया। उन्होंने वह ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि मैं RCB टीम और विराट कोहली को धोखा नहीं दे सकता। मैं जब तक खेलूंगा RCB टीम से ही, क्योंकि मेरी बॉलिंग ऐसी हो रही नहीं है, मेरे से जो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं पा रहा, बट बिलीव इन योरसेल्फ, वो कमबैक करूंगा। वो वाओ, एंड देन सिराज की जो फॉर्म आई है वो तो बहुत ही कमाल आई है। विराट 18। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ठीक से चलना शुरू नहीं किया मैंने, तब तक वो कभी तो नहीं पाया। Tough times never last, but tough people do thunder. Born in a middle class family, started playing leather ball at the age of 21. Named in IPL in 2017, okay. 41 wickets in 9 matches. Worst IPL 2018 to 19. Okay.
हिंदी नहीं मुझे समझ आ रही, बट कोहली एंड धोनी सपोर्ट हिम। लिखी हुई हिंदी आई कैन नॉट रीड। 4283 His father passed away. Oh ho! But he proved himself by taking 5 wickets, performed consistently, and now number 1 ODI bowler Mohammad Siraj. यहाँ उसका राज चलता है, किसका? ओहो, विराट कोहली का। People bullied him, but his journey. Mia magic. एक कमरे में बंद। अरे कमरे में वैसे ये क्लिप मैंने पहले भी देखा था और वाकई वो साउंड यही कर रहा था, यही गाना। मेरा घर पे डिनर रखना, आप आ रहे हैं? या बोले हाँ हम यहाँ क्यों नहीं आएंगे घर? विराट हाँ, मैं पूरा अरेंज कर लिया, पूरी टीम को बोल दिया, मैं भैया को कॉल किया, भैया आ रहे हैं? नहीं यहाँ थोड़ा मेरा बैक स्ट्रीट दिख रहा था, मुझे रेस्ट की जरूरत है। अच्छा, मतलब सबका डिनर अरेंज किया? जी, जैसा आए पूरे जैसा डोर खोले विराट भैया तुरंत भागते हुए उनको हत्या हो गए। सरप्राइज दिया ना, सरप्राइज। आई थिंक सारी टीम को इनवाइट किया था सिराज। दिनेश कार्तिक ने बताया कि मोहम्मद सिराज को जब टीम में शामिल नहीं किया जा रहा था, तब विराट कोहली ने ही सिराज को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। विराट ने कहा कि वो सिराज को प्लेइंग 11 में चाहते हैं और सिराज आज वनडे के नंबर 1 बॉल। एक ही चीज बोलूंगा कि जहाँ पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ये रील आरसीबी, अच्छा आरसीबी मैं चाहती हूँ जीत जाए यार, इस दफा जीतनी चाहिए। वो कौन है? सिराज। अच्छा यार, मतलब दुख में आई थिंक वो ग्राउंड में ही बैठ गया। द गोल्डन लॉयर ये तो विराट कोहली है, किंग कोहली एंड मिया भाई। विराट कोहली इज अ वेरी आई थिंक वेरी गुड मेंटोर फॉर मेनी क्रिकेटर्स आई गेस। सिराज मुझे लगता है विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा जी, जो सॉन्ग है मियां भाई, ये सॉन्ग सिराज पे बना है या वैसे ही बना है और सिराज पे सेट हो गया? ये गाना मजे का है, मैंने पहले एक दफा सुना था सिराज के रिएक्शन में। सिराज फुल पार्टी मूड में है इस टाइम। पार्टी चल रही है, आई थिंक सिराज के फ्रेंड्स हैं, नॉन क्रिकेटर्स शायद, नहीं वैसे क्रिकेटर्स होंगे क्योंकि कैमरा मैन आया हुआ है। यहाँ पे विराट कोहली नहीं है या विराट कोहली हैं? आई थिंक नहीं है यहाँ विराट कोहली, वरना जरूर नजर आते। अच्छी वीडियो दोनों की, पहली वीडियो थी ना, वहीं से बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था इस वीडियो का, बहुत मज़े का लग रहा था वो, बहुत अच्छा उनकी बॉन्डिंग नज़र आ रही थी। और विराट कोहली बहुत अच्छे मेंटोर हैं मुझे लगता है, जितने भी नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनके लिए, उनकी टीम में जो भी आ रहा है, और हर कोई विराट कोहली का दीवाना है यार, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत लोग। अच्छा लगा देखे, मोहम्मद सिराज नंबर 1 ODI बॉलर तो हैं इस टाइम पर, और बहुत अच्छा डिसीजन था आई थिंक विराट कोहली का कि उनको अपने टॉप 11 में वो चाहिए।
सो मोहम्मद सिराज मुझे बहुत ही सिंपल और बहुत हम्बल टाइप है, मतलब लुक्स बाय लुक ही बहुत सिंपल ऐसा एक इंसान लगता है, और बहुत मुझे मतलब अच्छा लगा देखकर। दोबारा से मोहम्मद सिराज से मैंने एक दफ़ा पहले रिएक्शन किया हुआ है, तो तब इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी वो जो अभी रिसेंटली उन्होंने जब बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आई थिंक एक ओवर में कितने 4 आउट शायद जो किए थे। सो बहुत मज़ा आया देख कर, ये इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, और बिल्कुल मतलब आई होप कि ऐसे चलता रहे एंड लेट्स सी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़ीद किस पर रिएक्शन करो ज़रूर सजेस्ट कीजिए, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, किसी और अच्छे से इस तरह के एक कपल कह लो उनके साथ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।